अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने छोटा एक ट्रिप स्टार्ट किया, पाकिस्तान का रोड ट्रिप है। हम लोग बावलपुर पहुँचे, पिछली वीडियो आपने देख ली होगी। फाइनली हम लोग बावलपुर पहुँच गए हैं और आज हमारा पहला दिन है बेसिकली, तो हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बावलपुर को। हम इस टाइम एक गाँव में हैं और गाँव में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फार्म हाउस है, बहुत नाइस फैसिलिटीज़ है इसमें। हमारे एक दोस्त का है तो हमने यहाँ पर रात को स्टे किया, बड़ा मज़ा आया। मौसम भी अभी बेहतर हो गया है, दिन में तो गर्मी। जैसे कि आपको पता है, हमारे ट्रिप में हमारे साथ थे खलील भाई, इनका तालुक सन से है, और कैमरामैन जो है इमरान भट्टी है, लेकिन वो भी हमारे दोस्त हमारे ट्रिप में साथ दिए। और यहाँ पे हमारे होस्ट हैं नुमान मलिक साहब, जो बावलपुर में है, ये इनका फार्म हाउस है, इनकी रहाइश भी यहीं पर है। तो ये हमारे होस्ट होंगे अभी हम इस सिटी में घुमाए। तो वेलकम नुमान भाई। थैंक यू वली भाई का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि 2 से 3 महीने पहले मैंने इनको, जब कराची में हमारी पहली मुलाकात हुई थी, तो मैंने इनको इनवाइट किया था और ये अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के जो बावलपुर हमारे पास, के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। तो जितना भी हो सका हम इनको अपना खूबसूरत सा शहर दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ रहिए इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। अच्छा, ये अगर आपको याद हो, हम मैं पहले भी यहाँ बावलपुर आया हूँ, आप ये वीडियो वॉच करें, तो आप मुझे ये बताएं आज हम क्या देखने जा रहे हैं। आज हम नूर महल तो आपने पहले देखा हुआ है, आज फिर हम कोशिश करते हैं कि आपको गुलजार महल, दरबार महल दिखाएं, उसके अलावा स्टेडियम दिखाएं, गुलजार सादिक दिखाएं, और अगर हमारे पास टाइम बच गया तो फिर हम आपको सेंट्रल लाइब्रेरी और यहाँ का जो म्यूज़ियम है वो भी दिखाएंगे। लेकिन 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 साथ ही साथ हम लोग शहर में भी घूमेंगे, दिखाते हैं, और ये गांव अभी आपको दिखाएंगे, उसके अलावा चाय और फूड वगैरह भी देखते हैं कि कैसा मिलता है। तो आइए हमारे साथ। कि इस चाय की क्या ख़ास बात है जो इतने मशहूर है? दूध खालिश होता है, पत्ती एक नंबर होती है, और चाय पत्ती रहती है, इसमें इसकी यही खासियत है, इलायची डली हुई होती है। अच्छा अच्छा, तो आप बना के ज़रा डालें तो हम देखें। अच्छा व्यूअर्स, बावलपुर में हमारा पहला स्टॉप जो है वो है चाय का सुल्तान अब्दुल्ला भाई जान। ये यहाँ की सबसे मशहूर चाय का ढाबा है और हमने चाय मंगाई है। तो खलील भाई, चाय कैसी है इनकी? माशाल्लाह वली भाई, चाय बहुत अच्छी है, जैसा नाम है वैसी चाय। अच्छा, नाम की तरह है। तो ये देखिए, हम सब ने जो है ना चाय मंगाई हुई है, और यहाँ के ये भाई लोकल है, तो इनसे पूछते हैं यार ये क्या ख़ास बात है जो इतनी मशहूर है। सर, यहाँ की चाय बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ का चाय में दूध खालिश डालते हैं, पत्ती खालिश डालते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा ये डालते हैं कि जिसकी वजह से आप एक दफ़ा पी लो तो फिर आप पिए बगैर नहीं रह सकते। तो मेरी गुजारिश सबसे है, जो भी इधर आए और वो बावलपुर की चाय ना पिए तो फिर ऊपर अधूरा है। हाँ
अच्छा व्यूवर्स, अभी बावलपुर में हम लोग आए हैं। ये नूर महल है, वन ऑफ द मस्ट टू सी अट्रैक्शंस। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत इसकी बिल्डिंग है बाहर से, और फिर ये बहुत बड़ा गार्डन है, आप देख सकते हैं चारों तरफ। तो बावलपुर पहले एक प्रिंसली स्टेट था, यानी कि अलग रियासत थी पाकिस्तान बनने से पहले। उसी हवाले से यहाँ पे काफी सारे महल भी है। ये वाला पब्लिक के लिए ओपन है, दो और भी है, गुलजार महल और दरबार महल, वैसे भी खूबसूरत है लेकिन वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। तो ये वाला ओपन है, अंदर जाके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। वैसे ये तकरीबन 150 साल से भी ज़्यादा पुराना महल है, और इसके अंदर जाके आपको बावलपुर स्टेट से रिलेवेंट जो भी मालूमात और चीज़ें हैं वो मिलेंगी। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको ये महल इनसाइड से दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, हमने नूर महल को विज़िट कर लिया। ये बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। तो ये पूछते खलील साहब से कि कैसे रहा इनका एक्सपीरियंस। बहुत ही ज़बरदस्त महल बना है, मेरा तो फर्स्ट टाइम घूमने का जो है वो मौका मुझे दिया, वो भी वली भाई के थ्रू। माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, आप बताएं ज़रा सा इमरान भाई। मैं उडन को ये बताना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए हैं भावलपुर के अंदर, तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपको मौका मिले तो यहाँ इसको मिस ना करें। 100 रुपये इसका टिकट है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हैं, हिस्ट्री वगैरह जो बावलपुर की है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है, और तस्वीर वगैरह के लिए बेहतरीन जगह है, आर्किटेक्चर बहुत नाइस है। तो अभी हम यहाँ से निकल के अगले डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। ये बावलपुर पाकिस्तान में पहला शहर है जहां मैंने देखा है आई लव बावलपुर का साइन लगा हुआ है। दूसरे किसी शहर में अभी तक मैंने ये नहीं देखा है, वरना बाहर की कंट्रीज में आपको पता है कि अक्सर जगह पे आई लव दैट सिटी वाला साइन होता है। तो यहां पे देख सकते हैं ये बहुत खूबसूरत नज़ारा आ रहा है, और ये मेन रोड है बावलपुर का, और यहां पे ये शाम का टाइम होने वाला है, तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल है इस टाइम।